100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद है न्यूजीलैंड 99 आउट ऑफ 100 और कनाडा 98 आउट ऑफ 100। यहाँ पर लोगों को इन सारे सवालों में फुल आज़ादी है, फुल फ्रीडम। इंडिया के नेबर से कंपेयर करें तो पाकिस्तान का स्कोर यहाँ पर है 37। बहुत से लोग इसे सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो पाकिस्तान इतनी नीचे, इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल गया। लेकिन क्या हमें अपने देश को एक फेल्ड स्टेट से कंपेयर करना चाहिए या फिर एक टॉपर से कंपेयर करना चाहिए जो 100 आउट ऑफ 100 ला? दूसरी तरफ चाइना का स्कोर 100 में से सिर्फ 9 है, नॉट 3 कैटेगरी में आता है। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी रिपोर्ट हमें दिखाती है दोस्तों, इंडिया सिर्फ इकलौती कंट्री नहीं है जहाँ पर डेमोक्रेसी डिक्लाइन करने लग रही है। यूएस का स्कोर नीचे जाता गया है पिछले कुछ सालों में। आपको पता ही है यूएस में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये हो रहा है। हांगकॉन्ग में, बेलारूस में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इन सारी कंट्रीज में स्कोर नीचे जा रहा है। इनफैक्ट 2021 में अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा कंट्रीज नॉट फ्री की कैटेगरी में आ गई हैं, पार्टली फ्री की कैटेगरी में आ गई हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। दुनिया भर में डेमोक्रेसी डिक्लाइन करने लग रही है 2020 से। और ये बात सुनकर आपको थोड़ी डिप्रेसिंग लगे, लेकिन एक चीज़ मत भूलिए, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नई है। आज से 50-100 साल पहले कितनी कंट्रीज डेमोक्रेसी से थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, हजारों सालों से डेमोक्रेसी बहुत नहीं रही। डेमोक्रेसी एक एक्सेप्शन है, हमारी जनरेशन एक एक्सेप्शनल टाइम में पैदा हुई है जो दुनिया में बहुत सी कंट्रीज डेमोक्रेसी है। हम लोगों को आज़ादी गारंटी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, पर ये हम सब के लिए एक लेसन है कि हमें अपनी आँखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। लेसन सीखना चाहिए यहाँ पर कि डेमोक्रेसी को बचाकर रखना हमारी जनरेशन की ड्यूटी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम और आज़ादी जैसे चीज़ों को कभी फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलो। ये तो हमेशा ही है यहाँ पर, हमेशा ही रहेंगे, नहीं है। इसके लिए हमने फ्रीडम फाइटर्स ने सालों तक संघर्ष किया था, तब जाके इन चीज़ें। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए इन सारे 25 सवालों में क्या कुछ मार्क्स मिले, क्या कुछ जस्टिफाइड है। अगर नहीं तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी राय में जो नंबर मिले हैं, कौन से क्वेश्चन में गलत नंबर मिले हैं और आपकी राय में कितने नंबर मिलने चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुबेरा ऐप का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। कुबेरा एक बढ़िया म्यूचुअल फंड की ऐप है, यहाँ पर आप अपनी गोल्ड प्लानिंग कर सकते हैं।